आज मैं आप सबके साथ टूटी फ्रूटी मफिन्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले दही लिया है। दही मैंने लगभग 1.5 कप लिए हैं। इनमें 1.5 कप चीनी डालकर एक बार अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे मैं हैंड मिक्सर से अच्छे से फेंट लेती हूँ। इसे जितना अच्छा बीट करेंगे उतना ही अच्छा मफिन का टेक्सचर आएगा। दही और चीनी को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें बटर डालकर भी मिक्स करेंगे। बटर भी मैं लगभग 1.5 कप ले रही हूँ, 1/3 1/3 करके दो बार। बटर को भी अच्छे से स्मूदी होने तक मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से बीट करते हैं। ये एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैंने 2 कप मैदे लिए हैं। इनमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है और तीनों को एक साथ मिलाकर छान लिया है। अब इस ड्राई मिक्सचर को अपने बटर और दही के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। मैंने एक बार में 1/2 मैदा ही लिया है। इसे मिक्स करके दोबारा फिर बाकी का मैदा भी मिक्स करेंगे। मैंने बाकी का भी मैदा यहाँ मिक्स कर दिया है। इसे एक बार स्पून से मिक्स करते हैं। इसके बाद इसे बीटर से भी मिक्स कर लेंगे। तो बीटर से भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर मिक्सचर गाढ़ा लगा तो हम इसमें थोड़ा दूध भी मिक्स करेंगे। मिक्सचर अभी गाढ़ा है तो मैं इसमें 1/4 कप दूध मिक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ वनीला एसेंस 2 टीस्पून, वनीला एसेंस मिक्स कर लिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर चेरी भी मिक्स कर रही हूँ, जिसे टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। थोड़ा मैं इसमें बचा के रखूंगी मफिन्स के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। मिक्सचर को बिना लम्स ना रहे इतना बीट कर लीजिए। आप हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं या फिर इस इलेक्ट्रिक मिक्सर से भी। OTG को मैं प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सिलिकॉन के मफिन्स के सांचे लिए हैं, साथ ही मैंने इनमें पेपर के भी सांचे डाले हैं। इनमें हम अपने मिक्सचर डालेंगे और फिर बेक होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने सारे सांचों में मिक्सचर डालकर रेडी कर लिया है। इन पर ऊपर से थोड़ी चेरी की गार्निशिंग कर लेते हैं। सारे मफिन्स को मैंने डेकोरेट कर लिया है, ये रेडी हो चुके हैं। ओवन भी हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इन्हें ओवन में डाल देते हैं। मफिन्स को हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं 180 डिग्री पर। मफिन्स फूलना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया मफिन्स फूल रहे हैं। इन्हें अभी बेक होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। मफिन्स बेक हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया मफिन्स बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें बनने में लगभग 18 से 20 मिनट का टाइम लगा है। ये बहुत ही स्पॉन्जी हुए हैं। इन्हें मैं निकाल कर दूसरा राउंड डालूंगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और फिर मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मफिन्स को मैंने ठंडा कर लिया है, सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। इसे आप जब भी जी चाहिए बनाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। साथ ही साथ इसे आप लगभग 15 से 20 दिनों के लिए रख भी सकते हैं। और आपको अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।